نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम इंशाल्लाह सेकंड पारा स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट पारा हमारा मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से इंशाल्लाह हम सेकंड पारा स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जब हजरत पिछले क्लास में हजरत इब्राहिम के बारे में हमने आप लोगों को याद होगा पढ़ा था कि जब अल्लाह सुबहान तआला ने हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल को खाने काबा बनाने का हुक्म दिया और कहा कि इसको पाक करो तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए जगह को पाक करो। और हमने वो पूरा वाकया पढ़ा कि जब हज़रत इब्राहिम ने खाना काबा तामीर किया। तो अब उसके बाद ये वाली आयतें, ये बेसिकली एक आप समझ लें कि हमारे लिए फाउंडेशन बुनियाद रखी जा रही थी कि हम आगे की आयतें समझ सकें कि अब आ रही है तहवीले किबला, यानी कि जो किबला चेंज हुआ था उसके बारे में आयतें। आप में से कौन बताएगा कि हम किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हमारा किबला कौन सा है? जी जोया, हाथ बताइए। हम खाना काबा की तरफ। बिल्कुल माशाल्लाह, खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, कोई आप में से ये बता सकता है कि इससे पहले हमारा किबला कौन सा था? मैं जो बैतुल्मुकद्दस था। बैतुल्मुकद्दस, वेरी गुड। जो मस्जिद अक्सा है उसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते थे। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पहला किबला हमारा मस्जिद अक्सा जो कि फलस्तीन में है, और उसके बाद हमें जब मुसलमान मदीना गए तो तकरीबन 16 कुछ रिवायत के मुताबिक 17 महीनों के बाद, 17 महीनों तक तो मदीने में रहते हुए फलस्तीन की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन उसके बाद हुक्म आया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि आप अपना चेहरा काबा की तरफ, खाना काबा की तरफ मोड़ लीजिए। तो अब ये वो वाली आयतें शुरू हो रही हैं जिसमें इसके बारे में सारी तफसील से बात की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनकरीब कहेंगे लोगों में से अहमक और बेवकूफ लोग, एक तरह से मुसलमानों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे वो कि भाई पहले तो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करते थे, अब ये इस तरफ मुंह कर लिया इन्होंने। किस चीज ने फेर दिया इन्हें इस किबले से जिस पर ये थे? ये कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक एक बड़ी आप सोचें एक माइंड सेट समझने वाली बात है कि वो लोग, आगे हम इंशाल्लाह आगे भी आयतों में आज ही पढ़ेंगे कि वो ये इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो कलाम इन पे उतर रहा है वो अल्लाह की तरफ से हक है। तो उन यहूदियों के लिए ये चीज बड़ी एक इत्मीनान बख्श थी कि चलो हमारे ही मजहब पे हैं ये लोग। लेकिन जब तहवीले किबला की, यानी कि किबला चेंज करने की बात आई ना, तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी आप समझ लें कि अब जो वो ये कहा करते थे ना कि वी आर द चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, हम जो है मुंतखब कौम है अल्लाह की जिसके ऊपर रसूल आए और किताबें उतरी है। अब आप ये समझ लें कि ये ताज उठाकर जो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है मल्टीपल टाइम, हमने सूरह बकरा में पढ़ा है कि अल्लाह ने तुम्हें फजीलत बख्शी थी जहानों पर, जहान वालों पर। तो ये एक इस तरह से, एक तरह से ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि ये ताज उठाकर अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सर पर रखा जा रहा है। अब ये जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, अब तुम लोग
नो मोर चोजन उम्मा, या अब तुम वो वाली उम्मत नहीं रहे हो जिसके ऊपर तमाम अंबिया आते थे, तुम में से यहाँ देखा जाए तो हजरत इब्राहिम की औलाद में से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, लेकिन वो जो ये कहते थे ना कि बनी इसराइल में से ही नबी आते हैं, तो वो वाली चीज अब उठाकर अब क्योंकि वो उस तरीके से उसके हकदार नहीं रहे थे, उन्होंने बारहा रसूलों को कत्ल भी किया, उनकी नाफरमानी भी की, उनका उनकी मुखालफत भी की, तो उन्हें लग रहा था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालफत इस दफा आसानी से कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये चीज उनसे ले ली गई है और ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दे दी गई है, और अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे के कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, हर डायरेक्शन अल्लाह की है, वो कोई मखसूस किसी एक तरफ तो जरूरी नहीं है कि अल्लाह सुभान व तआला रखे, वो जिस डायरेक्शन में चाहे वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे देता है, तो ये तुम चूज नहीं करोगे, यानी कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि कौन जो है चोजन लोग होंगे, ये अल्लाह डिसाइड करे। मैं चाहती हूँ आप लोग एक दफा एक ये टेम्पल माउंट जो फलस्तीन में है इसका एक मैप देख लीजिए, फलस्तीन के अंदर ये एक चार दीवारी सी है, और एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों बड़े मजाहब यानी कि यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए, ये तीनों जगहें बहुत ही मुकद्दस समझी जाती है। हत्ता ये कि एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कभी कोई नबी या कोई रसूल ना चला हो, ये इतना सेंटर हमेशा से रहा है। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि आज मुसलमानों में भी है, और इवन मैं हैरान ये हो रही थी कि मैं गूगल पे मैंने जानबूझ के चीज सर्च की कि फर्स्ट क़िबला फॉर मुस्लिम्स, तो वो ये डोम ऑफ रॉक कहते हैं, अभी मैं आपको इसको तफसील से बताती हूँ। तो ये जो ऊपर गोल्डन सा आपको नजर आ रहा है ये डोम ऑफ रॉक है, ये उमैयद पीरियड में बनी थी। अच्छा, उसके बाद मस्जिद अक्सा ये ग्रे से कलर की जो आपको नजर आ रही है ये है मस्जिद अक्सा, और उसके बिल्कुल साथ ये वेलिंग वॉल है जहां पर यहूदी मुंह करके रोते हैं क्योंकि इनके नजदीक हजरत सुलेमान ने यहाँ पे एक टेम्पल बनाया था जो कि दो दफा तो गिराया जा चुका है, और तीसरी दफा अब ये बनाने के बारे में थर्ड टेम्पल के नाम से इसको ये कहते हैं कि ये अब जो इनका अगला मकसद ये है कि ये मस्जिद अक्सा की जगह लेते हुए भी यहाँ पर एक मस्जिद बनाए, अपना टेम्पल वापस बनाएंगे जो हजरत सुलेमान ने बनाया था, और ये यहाँ पे खड़ के दीवार गिरिया इस तरह करके भी इसका कुछ नाम है ये कहते हैं, और यहाँ पे खड़े होकर ये रोते हैं कि ये हमसे जगह छिन गई और ये हमारी जगह थी और इस तरह से करके, और अब हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो फलस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो ये कहते हैं कि ये असल में हमारी जगह है। तो ये बात मैं चाहती हूँ कि आप लोग जान लें कि ये मस्जिद अक्सा है, ये जो ग्रे कलर का डोम है ये मस्जिद अक्सा है, और ये डोम ऑफ रॉक है, ये किबला नहीं था, ये उस जगह पे बनाई गई है असल में जहां पे से ये उमैयद दौर में तकरीबन लेट सेवन सेंचुरी के आसपास ये बनाई गई थी, ये उस जगह पे तामीर की गई थी जहां पे जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि यहां से आप मेराज पे तशरीफ ले गए थे। तो ये जो है अगर आप इवन गूगल पे सर्च करें कि फर्स्ट किबला करके मुस्लिम्स का, तो वो ये वाली तस्वीर दिखाते हैं, हालांकि ये टोटली गलत है, जो मस्जिद अक्सा है वो ये है। तो अल्लाह सुब्हानहु ताला कह रहे हैं कि वो जिसे चाहते हैं, अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब, वो जिसे चाहते हैं वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे देते हैं। आगे चलते हैं, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ये एक लिंग्विस्टिक मिरेकल है, मैं चाहती हूँ आप यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकें और ये सोचें कि वसता का के मुख्तलिफ मानी है, कुछ स्कॉलर्स के नजदीक यहाँ पे वसता का मतलब सुपीरियर किसे है, लेकिन वसता का मतलब मिडल भी होता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस चीज को एम्ब्रेस करें, प्रेस करें। आप ये देखें कि कुरान जो है ना ये कलाम था, ये किसी किताब की शक्ल में नहीं था कि इसको मिटा के ठीक किया जा सकता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरती थी, आप वो अल्फाज बोलते थे और जो सहाबा उस वक्त सामने होते थे वो एज इट इज उसको याद कर लिया करते थे। तो अब आप ये देखें कि हम कितने दिनों से हमारा ये जैसे फॉर एग्जाम्पल लेक्चर चल रहा है, तो क्या हम कोई भी इंसान आप अपने घर में भी कभी नोटिस करें इतना कैलकुलेटेड बोला जा सकता है? सूरह बकरा की 286 आयतें हैं
और ये वसता यानी कि मिडिल का वर्ड, मिडिल वाली आयत जो है ये एन सूरह बकरा के मिडिल में आई है 143। ये कुरान का एक मिरेकल है, एक कलाम होने की हैसियत से। किताब की सूरत में होता ना तो आयतों को ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन कलाम की सूरत में जो कि स्पेशली 12 साल के अरसे में उतरा है वो इतना कैलकुलेटेड है, तो ये शो करता है ये अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से कलाम है। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا। और ए मुसलमानों, इसी तरह तुम तो हमने तुम्हें एक उम्मत वसत बनाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ के नजदीक जो है वो वसत का मतलब है सुपीरियर, मतलब सुपीरियर इन द सेंस कि अब तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है, तुम्हें चूज कर लिया गया है, तुम्हें इस चीज के लिए मुंतखब कर लिया गया है कि तुम लोगों को इस दीन का पैगाम दो, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो। शहदा मीन्स आपका क्या मतलब, क्या ख्याल है शहीद का क्या मतलब है यहाँ पर? शहीद हम गवाह हैं कि हम हदायत आई थी, हदायत मिली थी। बिल्कुल एग्जैक्टली के हम हमारे ऊपर हम लोगों पे गवाह हैं कि ये पिछली उम्मतें गुजर चुकी हैं, और आप गवाही कभी शहीद होना ये होता है जब वो अल्लाह ताला की राह में मर जाते हैं। जी वो भी एक शहीद है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन यहाँ पे इस शहीद का मतलब है गवाह, गवाह के तौर पे, यानी कि आप विटनेस हैं। और आप विटनेस कब होते हैं? जब आपको किसी चीज के ऊपर यकीन, पुख्ता यकीन होता है। ऐसा ही है ना, जब आपको आप बिल्कुल इस तरह महसूस होते हैं जैसे आपने जो चीज, बल्कि ज्यादातर तो ये होता है कि आप शाहिद हैं, आप गवाह हैं, आपने वो चीज जैसे होती भी देखी अपने आंखों से, यानी कि आपको इस कुरान पे इतना ही पुख्ता यकीन होना चाहिए ये अल्लाह का कलाम है और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और जो कुछ आने वाले वक्तों के बारे में लिखा हुआ है, हत्ता ये कि कयामत के बारे के भी मुकालमे इसमें लिखे हुए हैं कि जो जहन्नमी है वो ये कहेंगे और जन्नती ये कहेंगे, ये भी बैने ही बिल्कुल ऐसे ही सही तौर पे होगा हमारे साथ। ये जो वसता का लफ्ज है इसमें अगर आप देखें सुपीरियर होने का, तो हम सूरह हज में भी इंशाल्लाह जब आगे जाके ये पढ़ेंगे, अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि इसने तुम्हें मुंतखब कर लिया है और तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं रखी, बल्कि तुम्हें तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजहब दिया और इसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, और अब इस किताब में भी तुम्हारा नाम मुसलमान ही है, ताकि रसूल तुम पर और तुम लोगों पर गवाह बनो। यानी कि जो गुजर चुके हैं हम उनके ऊपर गवाह है कि हाँ, कौम लूत के बारे में हम इंशाल्लाह कुरान में पढ़ेंगे, बनी इसराइल के बारे में जो जो उन्होंने हरकतें की हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, कौम आद, कौम समूद, तमाम कौमों के बारे में जो लोग गुजर चुके हैं, जो अंबिया आ चुके हैं, उन सब पे हम गवाह हैं। हम कहते हैं हाँ बिल्कुल, हजरत इब्राहिम आए थे उन्होंने ये बिल्ड किया था, हजरत इस्माइल आए थे, हजरत याकूब आए थे, हजरत दाऊद आए थे, कौन से हम हर हजरत लूत आए थे, हजरत मूसा आए थे, हजरत ईसा आए थे, तो हम इन सब पे गवाह हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे गवाह हैं। एक जगह एक दफा एक वाक्य आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि आप मुझे कुरान पढ़ के सुनाएं, तो उन्होंने कहा कि आप पे तो कुरान उतरा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है कुरान सुनना। तो जब वो कुरान उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो एक मुकाम आया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसबुक हसबुक, यानी कि रुक जाओ। तो जब वो सहाबी ने आपकी तरफ देखा तो आप रो रहे थे बुरी तरह, और वो यही आयत थी कि जिसका मफहूम मतलब उस आयत में यही था कि आप लोगों पे गवाह होंगे, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे बारे में पूछा जाएगा, हमारे अमाल के बारे में नहीं, कि आपने सही पैगाम पहुंचा दिया था कि, और नहीं मुकर्रर किया था हमने वो क़िबला जिस पर ए नबी आप पहले थे, यानी कि मस्जिद अक्सा, मगर ये जानने के लिए, ये जाहिर करने के लिए कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है और कौन फिर जाता है उल्टे पांव, यानी कि ये एक टेस्ट के तौर पे था। कैसा टेस्ट? अभी हम आगे पढ़ेंगे। वा इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लजीना हदल्लाह वमा कान अल्लाह
युदीआ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासी रऊफुर रहीम। और यकीनन ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत क्यों बड़ी बात थी? आप ये देखें कि हम सामने अगर पहले तो ये होता था कि कुछ रिवायात में ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आपको खाना काबा बहुत पसंद था, तो आप इस तरह से नमाज पढ़ते थे कि काबा की तरफ पीठ नहीं होती थी, तो आप काबा आपके सामने होता था और उसके आगे फलस्तीन होता था, जब ये मक्का का दौर है। अब जबकि मदीना में आ गए तो मक्का की तरफ बैक हो जाती है और फलस्तीन की तरफ यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ आपका चेहरा होता है। तो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो ये अल्लाह सुब्हान तआला फरमाने कि ये एक बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि एक खाने काबा की तरफ पीट हो रही है। अब अगर कोई तहवील किबला के बाद मक्का की तरफ रुख करता है, और अगर लेट्स सपोज कोई मुनाफिक है जो कि वो कह रहे हैं कि चलो, अगर जैसे कोई बनी इसराइल में से है और कह रहे हैं कि ठीक है वो हमारे ही किबले की तरफ सजदा करें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये आ गया है कि मक्का उनके सामने हो गया है और फलस्तीन उनके पीछे हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट आ गया था। तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं और यकीनन ये बहुत बड़ी बात थी मगर इनके लिए दुश्वार ना थी जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, जो जो अल्लाह को मानने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले हैं, उनकी पैरवी करने वाले, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने तो एक अल्लाह पे ईमान ले आए थे, अब समयना व अतान, और अल्लाह हर किस तुम्हारे ईमान को जाया करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये था कि कुछ रिवायतों में आता है कि जो सहाबी थे वो ये समझते थे कि अच्छा अभी तक जो हमने नमाजें पढ़ी हैं फिर उनका क्या होगा, वो तो हम उस तरफ मुंह करके पढ़ते रहे हैं बैत मुकद्दस की तरफ, तो अब हमने इस तरफ मुंह कर लिया तो जो नमाजें हमने पढ़ी है उनका क्या होगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं और अल्लाह हर किस तुम्हारे ईमान को जाया करने वाला नहीं है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मिस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं और यकीनन ये बहुत बड़ी बात थी मगर इनके लिए दुश्वार ना थी जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, और अल्लाह हर किस तुम्हारे ईमान को जाया करने वाला नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला इंसानों के हक में बहुत ही शफीक और बहुत ही रहम फरमाने वाले रहीम है। तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे अमाल जाया नहीं किए जाएंगे, जो जो कुछ अमल तुमने नेकियां कमाई हैं, जो नमाजें तुमने पढ़ी हैं, वो अल्लाह सुब्हान ताला के पास महफूज हैं। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره। ए नबी, बिला शुबा ये आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि खाना काबा ही को, जो हजरत इब्राहिम ने तामीर किया था, उसको ही हमारा किबला बना दिया जाए। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देखते थे अल्लाह के हुक्म के इंतजार में कि कब अल्लाह सुब्हान व तआला ये हुक्म करेंगे। सो हम फेर देते हैं आपको इस किबले की तरफ जो आपको पसंद है, तो बस आप फेर दीजिए अपना अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ, और ए मुसलमानों जहां कहीं भी तुम हो अब अपना चेहरा नमाज में इसी की तरफ फेर लो। इसके बारे में बड़े ऐसे 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 वाकयात सुनने को मिलते हैं कि जब ये आयतें उतरी और कुछ सहाबा नमाज पढ़ रहे थे और कुछ सहाबी पास से गुजरे, उन्होंने देखा कि और उन्होंने ये आयत बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अभी आयत नाजिल हुई है कि किबला जो है खाने काबा की तरफ है, तो नमाज के दौरान ही उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ये है समयना व अताना। मैं चाहती हूँ कि आप ये देखें, ये है मस्जिद किबला तैन, ये मदीना में है। अल्लाह सुबहान तआला आप सबको यहाँ पर लेके आए। ये वो जगह है जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ रिवायत के मुताबिक,
और दो रकात आप पढ़ चुके थे जब ये आयत नाजिल हुई, और उसी के दौरान जो है वो आपने अपनी आपने चलना शुरू कर दिया और अपनी डायरेक्शन जो है खाना काबा की तरफ कर ली, और कुछ के मुताबिक वो जो अशरा मुबशरा आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि 10 वो लोग जिनको बशारत दी गई थी जन्नत की उनकी जिंदगी ही में, वो भी आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे और उन्होंने भी आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ। اور ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी यानी कि तौरात इंजील ज़बूर, जानते हैं कि ये तहवील किबला का हुक्म हक है इनके परवरदिगार की तरफ से, क्योंकि इनकी किताबों में पहले से मौजूद था, ये लिखा हुआ था कि जो आखिरी नबी आएंगे उनका किबला खाना काबा होगा इनके परवरदिगार की तरफ से, और अल्लाह गाफिल नहीं है इससे जो वो कर रहे हैं। बेशक अल्लाह सुबहान तआला सब कुछ जानने वाले हैं, अगर वो जितना मर्जी इस चीज इस बात का या तो मजाक बना लें या बुरा मना लें या जो मर्जी उस चीज के बारे में महसूस करें, अल्लाह सुबहान तआला गाफिल नहीं है जो वो कर रहे हैं। وَلِئِنْ آتَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْدٍ وَلَئِن تَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ। اور اے نبی اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی پیش کر دیں, वो तो पहले से जानते थे, इंशाल्लाह अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये तो पहले से जानते हैं कि ये रसूल है अल्लाह के। अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि आप इनके सामने जिस किस्म की भी निशानी इनके सामने पेश कर दें तब भी ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, किबले यानी कि आपकी डायरेक्शन की, आपके रिलीजन को फॉलो ये तब भी नहीं करेंगे। और ये आज भी हालात है कि हम वेस्ट को खुश करने के उसमें लगे रहते हैं, हालांकि वो कभी खुश नहीं होंगे। आप जैसी मर्जी कुरान की दलाइल उनके सामने पेश कर लें, इल्ला ये कि अल्लाह सुब्हान व तआला किसी के दिल में ये दीन की शमा रोशन कर दे, और ना ही आप अब पैरवी करने वाले हैं इनके किबले की, यानी कि इनके जो किबला इनका था यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ, और ना ही वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले हैं। यहाँ जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया उसमें भी यहूदियों का, जैसे मैंने आपको बताया कि वेलिंग वॉल अलहदा है, मुसलमानों की बैतुल मुकद्दस अलहदा है, और क्रिश्चियन जो है वो एक अलहदा गोशे को मानते हैं, वहां पर इवन कुछ चर्च भी बने हुए हैं जहाँ पे उनके मुताबिक के हजरत डिफरेंट उन्होंने जगह जगह पे ऐसे गिरजे बनाए हुए हैं जहाँ के उनके मुताबिक यहाँ पे हजरत ईसा की विलादत हुई थी, यहाँ पे उन्हें क्रूसीफाई किया गया, तो डिफरेंट जगहों पर उन्होंने चर्चेस बना दिए, तो वो एक दूसरे के किबले की भी पैरवी नहीं करते इनके किबले, और ना ही वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलफर्ज अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की कि इस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है, तो बिलाशुबा आप भी जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसको पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं, यानी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतने ही शोर हैं जैसे एक बहुत बड़े मजमे में आप अपनी औलाद को पहचान लेते हैं ना, इस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं कि यही आखिरी नबी है जिनका वो इंतजार कर रहे थे। अलबत्ता इनमें से एक ग्रोह वो है जो जानते बूझते हक को छुपाता है। एक यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे जो बाद में इस्लाम ले आए थे, अब्दुल्ला बिन सलाम, उनसे एक दफा हजरत उमर ने ये पूछा कि क्या आप वाकई ही इस तरह पहचानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे आप अपने बेटों को पहचानते हैं? उन्होंने कहा हाँ, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि हम तौरात और इंजील में जो सिफात आखिरी नबी की बताई गई हैं, हमने इसी से उन्हीं सिफात से पहचाना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये
उनकी किताबों में दर्ज था कि आखिरी नबी आएंगे, उनकी ये सिफात होंगी, वो खाना काबा उनका किबला होगा, तो वो इस चीज को पहचानते थे लेकिन हक को छुपाते थे। हम कई दफा इस तरह होता है ना, अपने फायदे के लिए लोग हक को छुपाते हैं। क्या आपका क्या ख्याल है, हक को छुपाना क्या है? मैम लाइक यही मतलब है ना कि हम बता नहीं सकते किसी को, जानबूझ के हम बताना नहीं चाहते जो सच बात होती है अपने खाम मफाद के हाँ लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। मदी आप भी कुछ कह रही थी। जी मैम, इसलिए भी शायद वो करते हों कि लाइक वो अफजल थे अल्लाह की नजर में, उनके हिसाब से तो वो उनकी फजीलत शायद कम हो जाती हाँ मुसलमान के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और बड़ा क्या क्या और वो जी। सोचते थे कि अगर हम उनके ऊपर बात मानेंगे और लोगों को और चीजें बताएंगे उनके बारे में, तो हमारी हुकूमत मतलब छोटी हो जाएगी और हम इतने बड़े नहीं वेरी होंगे। गुड वेरी गुड एग्जैक्टली। तो हमने हमारे लिए इसमें एक्शन किया है कि क्या हमें हक को छुपाना चाहिए? नहीं, अल्लाह सुबहान ताला कह रहे हैं कि हम उनकी बुराई में ये कहा है कि हक को मत छुपाओ। आगे भी हम ये पढ़ेंगे, चाहे वो आपके रिलीजियस मैटर में हो, चाहे वो आपके अपने खिलाफ जा रहे हो, चाहे वो आपकी दीन की जिंदगी में हो या दुनिया की जिंदगी में हो, जो हक है वो सबके सामने जाहिर करना चाहिए, चाहे वो आपके अपने खिलाफ जा रहा हो। यही आपकी नेकी लिखी जाएगी। अल हक्कु मिन रब्बिक, ये हक है आपके रब की तरफ से। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, जो हक है, हक वही है जो आपके रब की तरफ से है, तो आप हर किस शक करने वालों में से ना बने। मैम ये पिछली आयत में आपने थोड़ी सी मिस्टेक की, अल्हक्कु मिन रब्बका लिखा हुआ था वहां पे, कहाँ कहाँ बेटा जरूर बताइए मुझे। मैम इसी आयत में जो अभी आपने पढ़ी है अलहकु मिन तो, हाँ जी यहाँ रब्बिक, पे अलहक रब्बका, ये मिन रब्बक, हाँ शायद यूँ नहीं पढ़ना चाहिए इसको। अलहकु मिन रब्बिक कहा मैंने बेटा, मेरे ख्याल से हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। बहुत शुक्रिया, थैंक जी यू तो जी। वेलकम। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। वली कुल वजहतुन हुआ मुवल्ली मुवल्लिया, फस्तबीकुल खैरात अइनमा तकूनू याती बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर एक के लिए है एक हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो रुख करता है। तुम नेकियों में सबकत करो, जहां कहीं भी हो तुम होगे, अल्लाह तुम सबको जमा कर लेगा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यानी कि यू चूज योर डायरेक्शन, आप ये डिसाइड करें कि आप किसकी तरफ हैं। ये आज हमारे लिए भी है, आप अपनी अपने आप अपना किबला सीधा रखें और अपने आप को, अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि अपने आप को नेकियों में बढ़ाएं, नेक अमल में, अपनी नमाजों में, अपने अजकार में, अपनी खैरात में, लोगों की मदद करने में, अच्छे मुसलमान होने में, दीन को फैलाने में, अपनी अपनी नेकियों में अपने आप को बढ़ाएं। बाकी जो 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 जहां कहीं भी होगा, अल्लाह सुबहान तआला इस चीज पे कुदरत रखते हैं कि उसको उनको जमा कर लेंगे। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतरतुल मस्जिदिल हराम وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ। और जहां कहीं से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें, तो नमाज के वक्त अपना रुख फेर लीजिए मस्जिद हराम की तरफ, और यकीनन ये हक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से, और अल्लाह गाफिल नहीं है इससे जो तुम कर रहे हो। ये हम देखेंगे 3 दफा इन्हीं आयतों में, 3 दफा आएगा जब ये हुक्म होगा मुसलमान। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का जब ये कहा जा रहा था कि आपका दिल है आप अपना चेहरा फेर लीजिए, अब ये दूसरी दफा आया है, अब ये तीसरी दफा आएगा मुसलमानों के लिए कि जहां कहीं भी हो आप इस चीज की इम्पोर्टेंस समझिए कि अल्लाह सुब्हान तआला इन आयतों में 3 मरतबा ये चीज फरमा रहे हैं। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रतुल मस्जिदिल हराम
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. और जहाँ कहीं से भी आप निकले तो आप अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ कीजिए. और ए मुसलमानों, जहाँ कहीं भी तुम हो तो नमाज के वक्त अपने चेहरे को उसी की जानिब फेर दो ताकि बाकी ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई दलील. कि मतलब अगर ये कहते हैं कि ये आखिरी उम्मत है, आखिरी उम्मत का किबला तो उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि तौरात और इंजील में लिखी हुई थी चीज कि वो खाना काबा होगा, तो उनके पास कोई तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ हुज्जत ना रहे कि तुम अपने आप को आखिरी नबूवत कहते हो, तुम्हारे नबी अगर तुम कहते हो ये आखिरी नबी है तो उनका किबला तो खाना काबा था, तुम क्यों मदीने की तरफ नमाज मक्के की तरफ सॉरी जेरूसलम की तरफ तुम क्यों मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो. तो इसकी जानिब फेर दो ताकि बाकी ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई दलील कोई हुज्जत, यानी कि सिवाय इनके जो इनमें से जालिम है, यानी कि जिन्होंने बात करनी हो तो करेंगे. तो ए मुसलमानों, इनसे ना डरो और मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दूं और ताकि तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ. अब आप ये देखें कि हजरत इब्राहिम ने, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उन्होंने ये दुआ की थी कि या अल्लाह इनमें से एक रसूल भेजे जो कि इन्हें किताब और हिकमत का इल्म दे और इनका तज़किया करे. और अब उस दुआ का जवाब, हजरत इब्राहिम और रसूलुल्लाह में 4000 साल का डिफरेंस है. आप ये देखें कि दुआओं की इम्पोर्टेंस देखें आप, कि कितना जरूरी है हमारे लिए दुआ करना और दुआएं कब जाकर कबूल होती हैं. 4000 साल बाद अल्लाह सुभान ताला इसमें क्या फरमा रहे हैं, कमा अरसलना फीकुम रसूलुम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. जैसे हमने भेज दिया है तुम्हारे दरमियान एक रसूल, खुद तुम में से ही, याद है हजरत इब्राहिम ने कहा था इनमें भेजे रसूल इन्हीं में से, वो तलावत करता हो करता है तुम पर हमारी आयतें. आपको याद होगा उन्होंने दुआ की थी वो तलावत करे इन पे आपकी आयात और सिखाए उन्हें हिकमत और तज़किया करे उनका. याद है आपको वो दुआ, या हमने पिछले लेक्चर में हजरत इब्राहिम की दुआ पढ़ी थी. और अल्लाह सुभान ताला क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे दरमियान एक रसूल, खुद तुम में से वो तलावत करता है तुम पर तुम्हारी हमारी आयात और तुम्हें पाक करता है और तुम्हारा तज़किया करता है और तुम्हें तालीम देता है किताब और हिकमत की और तुम्हें तालीम देता है इन चीज़ों की जो तुम्हें मालूम नहीं थी. हमें मालूम नहीं था जन्नत और दोजख के बारे में, अनलेस कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पढ़ें या उनकी अहदीस पढ़ें. हमें मालूम नहीं है फरिश्तों के बारे में, हमें मालूम नहीं है जन्नात के बारे में. ये तमाम इल्म वो हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे पास आए हैं. और इसके अलावा अगर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज इस चीज को नोटिस करें, क्यों पढ़नी चाहिए हमें कुरान और हदीस रेगुलरली. मिस ताकि हमको पता चले कि आखिरत में क्या होगा और हमको क्या क्या चीजें करना है, कि जैसे नमाज कैसे पढ़नी है और बहुत अच्छी चीजें, बहुत सी चीजें. वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह. और आपका क्या ख्याल है हमें, और क्यों, कोई और वजह भी बताइए मुझे. कुरान और हदीस ईमान ताज़ा रहता है. वेरी गुड जी. जो हमको हक के बारे में पता चलता है ना, हक के बारे में पता चलता है. लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट की भी मिल रही है हमें इसमें से. जी मदीहा बताइए. मैम डर जो है अल्लाह का, वो हमेशा जिंदा रहता है तो फिर वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है. वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह. आज तो इतने सारे मेरे बच्चे बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. तो लेकिन एक जो की पॉइंट आप लोग इसमें ये देखिए, बेशक कुरान जो बातें आप लोगों ने सही की बिल्कुल सही, आपका ईमान ताज़ा रहता है, अल्लाह का खौफ आपके दिल में रहता है, आपको अल्लाह के अहकाम पता चलते रहते हैं, ये बातें बिल्कुल सही हैं. लेकिन अल्लाह सुभान व तआला कह रहे हैं ये किताब आपको हिकमत सिखाती है, इल्म सिखाती है. सो इफ यू वॉन्ट टू बी स्मार्ट रीड कुरान एंड अहदीस डेली. ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आप रोजाना कुरान और हदीस
अपनी जिंदगी में चाहे एक आयत एक हदीस शामिल करना शुरू करें, आप यकीन करें आपको चीजों की हिकमत पता चलनी शुरू हो जाएगी। आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल में, अपनी जहानत में कुछ अरसे के बाद जमीन आसमान का फर्क देखेंगे। ये आप आजकल देखें ना, वो इतने आईक्यू टेस्ट डिजाइन हो रहे हैं और इतनी गेम ब्रेन गेम्स डिजाइन हो रही है, सब कुछ हो रही है, और अल्लाह सुभान व तआला क्या कह रहे हैं कि ये किताब आपको हिकमत सिखाती है। अपनी जिंदगी में रोजाना शामिल करें एंड यू विल सी द डिफरेंस। बेटा आप लोग ये डिफरेंस अपनी जिंदगियों में देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि आपका ब्रेन ज्यादा शार्प हो जाएगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सकेंगे, आपको चीजों की ज्यादा बेहतर तरीके से हिकमत समझ आने लग जाएगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये इतनी प्यारी बात है, हर वक्त हर जगह हमें अल्लाह सुभान व तआला को याद रखना चाहिए। एक हदीस में आता है कि अल्लाह सुभान व तआला फरमाते कि जब मेरा बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं उसे तन्हाई में याद करता हूँ, और जब मेरा बंदा मुझे एक महफिल में याद करता है तो मैं उससे बेहतर, यानी कि फरिश्ते हुए ना हमारे, इससे बेहतर महफिल तो फरिश्तों की हुई, तो मैं इससे बेहतर महफिल में उसको याद करता हूँ। आप ये देखें कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर वक्त की दुआ है, हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखने का कहा गया है हमें। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने की दुआ है, रात को सोने की दुआ है, वॉशरूम में जाने की दुआ है, वॉशरूम से निकलने की दुआ है, घर से बाहर निकलते हुए की दुआ है, घर से वापस आने की दुआ है, कपड़े बदलने की, कपड़े उतारने की दुआ है, नया कपड़ा पहनने की दुआ है, चेहरा शीशे में देखने की दुआ है। यानी कि आप हर वक्त हर चीज में अल्लाह सुभान व तआला को याद रखें, ये दुआएं याद करें। बहुत छोटी छोटी सी दुआएं हैं आप, और याद करने की एक बड़ी बेहतरीन टिप मैं आपको देती हूँ कि आप उन दुआओं को ना थोड़े दिनों के लिए, इंशाल्लाह एक हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन मैक्सिमम, आप वो दुआएं अपने जो भी वो जगह है उसके बाहर लिखकर लगा दें। जैसे घर के बाहर वो आप एक पेपर के ऊपर, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है कि हम कोई बड़ा कोई कुंदा करवा रहे हैं और बड़ी कोई वो उस तरह से बनवा रहे हैं, बिल्कुल पेपर से हाथ से लिखकर। हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम वो दुआएं याद करें बजाय इसके कि हमारे घर की ब्यूटी कैसी लग रही, कैसा लग रहा है, तो वो दुआएं हाथ से लिखें, एक डेढ़ हफ्ते के लिए उसको बाहर लगा दें, और इसी तरह बैक साइड पे जब घर से निकलने की दुआ है वो उस साइड पे लगा दें, और हर दफा ऊंची आवाज में पढ़ें। आप यकीन करें कि आपके सदका जारिया में बनेगा, जो आपके साथ एंटर हो रहा होगा या निकल रहा होगा वो आपके साथ वो दुआ पढ़ रहा होगा। जहां पे आप सो के उठती हैं, जब से पहले जो सबसे पहले चीज देखती है यूजली, तो सबसे पहले आजकल मोबाइल देखा जाता है, चलो वो ही सही, लेकिन कहीं कोई भी ऐसी चीज जहां पे आप सुबह उठ के उठती हैं और सामने दीवार के ऊपर आप वो दुआ लिखकर लगा दें, सिर्फ एक हफ्ता, 10 दिन इंशाल्लाह, और आप ऊंची आवाज में पढ़ें, और आप यकीन करें कि वो आपको खुद भी याद हो जाएगी और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी याद हो जाएगी ऊंची आवाज। मेरे वालिद जो है वो माशाल्लाह जब भी दुआ खाना खाते थे तो जोर से बिस्मिल्लाह, और जब खाना खा लेते थे तो जोर से वो दुआ पढ़ते थे, तो अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी सेहत दे, वो हम सबको याद हो गई, और फिर आगे अब हम अपने बच्चों के साथ भी, तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये चीजें आपकी जिंदगी में शामिल होती जाएंगी, और फिर आपको एहसास होगा कि हर वक्त अल्लाह सुभान व तआला को याद रखने की बरकतें आपकी जिंदगी में कितनी है इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुभान व तआला कह रहे फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, वश्कुरूली वला तकफुर, और मेरा शुक्र करो मेरी नाशुक्री मत करो। आप ये देखिए शुक्र का ऑपोजिट अल्लाह सुभान व तआला ने क्या किया है, कहा है, क्या कहा है शुक्र का ऑपोजिट, क्या कहा है, कुफर। कुफर यानी कि जब आप शुक्र नहीं कर रहे होते तो आप कुफरानी नेमत कर रहे होते। मैं जो है आपको एक बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह भी एक हदीस सुनाऊंगी, इसलिए हर वक्त जो है ना अल्लाह सुभान व तआला का शुक्र अदा करते रहें, इस चीज की आदत डालें कि आप हर वक्त अल्लाह सुभान व तआला का शुक्र अदा करें और दिल से शुक्र अदा करें। पता है शुक्र जो है ना एक एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड है ये, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि एक हदीस मैंने कल पढ़ी और मुझे वो हदीस पढ़ के इतना मजा आया कि मैंने आज सोचा कि मैं जरूर आप लोगों के साथ ये हदीस शेयर करूंगी, जो कि बेसिकली जन्नती लोगों के बारे में, और ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की है।
हजरत अबू सईद से रवायत है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे और वहां की नेमतें इनको अता हो जाएंगी तो अल्लाह ताला इनको मुखातिब करके फरमाएंगे, ए अहले जन्नत, वो अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हम हाजिर हैं, हाजिर हैं आपकी बारगाह अकदस में, और सारी खैर और सब भलाई आप ही के कब्जे में है, जिसको चाहे अता फरमाए या अता ना फरमाए। फिर अल्लाह ताला इन बंदों से फरमाएंगे, तुम खुश हो? अल्लाह हू अकबर। आप ये देखें ये कितनी बड़ी बात है, अल्लाह सुभान व तआला जो कि पूरी कायनात के मालिक है, खालिक है, वो जन्नतियों से कह रहे हो तुम खुश हो, आर यू हैप्पी नाउ, तुम खुश हो? यानी जन्नत और जो नेमतें जन्नत में तुमको दी गई हैं तुम इनसे राजी हो? ये जन्नती बंदे अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, जब आपने हमें यहाँ वो कुछ नसीब फरमाया जो अपनी किसी मखलूक को नहीं दिया था, यानी आपकी बख्शिश और आपके करम से जब यहाँ हमें वो नेमतें और वो राहतें और वो लज्जतें नसीब हो हैं जो दुनिया में किसी बड़े से बड़े को भी नसीब नहीं थी, तो हम क्यों राजी और खुश ना होंगे? मैंने एक और हदीस में पढ़ा कि आपने फरमाया कि जन्नत के कूड़े की जगह भी इस दुनिया से बेहतर है। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि किसी बड़े से बड़े को भी नसीब नहीं है तो हम क्यों राजी और खुश ना होंगे? इसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये आप जो गौर से सुने, क्या मैं तुम्हें इस सबसे आला और अफजल एक चीज और दू? वो बंदे अर्ज करेंगे, ए खुदावंद, वो क्या चीज है जो इस जन्नत और इसकी इन नेमतों से भी अफजल है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं तुमको अब अपनी दाइमी और अबदी रजामंदी और खुशनूदी का तोहफा देता हूँ, यानी कि मैं हमेशा तुमसे राजी रहूंगा, इसके बाद अब मैं कभी तुम पर नाराज नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम जालना मिनहुम, अल्लाहुम जालना मिन, अल्लाहुम जालना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे। तो लेकिन ये एक एटीट्यूड है, आप ये देखें, अल्लाह सुभान व तआला जन्नतियों के बारे में हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है वो एक एटीट्यूड है। अल्लाह सुभान व तआला की छोटी छोटी चीजों पर शुक्र अदा किया करें, छोटी छोटी चीजों के ऊपर। और जब आप किसी का शुक्र अदा करते हैं, जब अल्लाह सुभान व तआला का आप शुक्र अदा करते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुभान व तआला अपनी और नेमतें आपको नवाजते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती, अगर कोई शख्स सड़क पे भी बैठा हुआ है ना और उसके पास कुछ नहीं है, तो मैं ये नहीं मान सकती कि उसके पास शुक्र के लिए कुछ नहीं है। हम अपनी आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, इन चीजों अपनी सांस का शुक्र अदा नहीं कर सकते अल्लाह से। एक सांस का शुक्र अदा करते हैं, दूसरी सांस आ जाती है, तो बाकी चीजों का शुक्र कब अदा करेंगे? अल्लाह सुभान व तआला की बे इंतहा नेमतें हैं हमारे ऊपर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत रहीम और करीम है हमारे ऊपर, बे इंतहा रहीम और करीम है। तो अल्लाह सुभान व तआला कह रहे कि मेरा शुक्र अदा करो और कुफर मत करो। आगे चलते हैं, या बिस्मिल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ए ईमान वालों, सबर और नमाज से मदद चाहो, चाहो जान लो कि अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। आप ये देखें, ये बात हम पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन अल्लाह सुभान व तआला ने हमें दिया हुआ है, और वो ये है कि नमाज और सबर, नमाज और सबर। आप बेशक जो अगर कोई आजमाइश आई है, आप उसमें से निकलने के लिए जद्दोजहद करते हैं और जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपना पूरा अमल करने के बाद सब्र करें, इंतजार करें, अल्लाह सुभान व तआला की रहमत जरूर आएगी। और एक हदीस में आता है कि सब्र वो कि जिसमें शिकायत ना हो। हम हर वक्त नैक नैक करते रहते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब प्रॉब्लम आ गई है तो फिर उसके बारे में प्रचार करना, बहस करना, वो मत करें। सब्र के साथ उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें और अल्लाह सुभान व तआला पे यकीन रखें, और नमाज से और सब्र से जो भी आजमाइश है उसका मुकाबला करें। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون। और मत कहो इनको जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए कि वो मुर्दा है, वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है।
यानी कि शहीदों के बारे में बात हो रही है जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। एक बहुत प्यारी हदीस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस आयत के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि जो शहदा है वो उनकी जो रूह है वो सब्ज परिंदों की शक्ल में जिंदा रहती है, सब्ज परिंदों की शक्ल में होती है, और उनके जो नेस्ट होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं वो अल्लाह सुबहाना व तआला के अर्श के जो शैंडलियर्स हैं, जो फानूस वहां से लटक रहे हैं उनमें वो रहते हैं। वो जन्नत में जाकर जहां से चाहते हैं खाते पीते हैं। और आपने फरमाया कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने एक दफा उनको देखा और उनसे कहा कि तुम्हें कुछ और चाहिए, तो उन्होंने कहा या रब्बी हमें और क्या चाहिए होगा कि हम जहां चाहते हैं उड़ते फिरते हैं और जहां से जन्नत में से जहां से चाहते हैं खाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर से उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा क्या या रब्बुल इज्जत हमें दुनिया में दोबारा भेज दें कि हम फिर आपकी राह में कत्ल हो और फिर शहीद हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको ये दर्जा अता कर दें, हमारे अमाल ऐसे कर दें कि हम शुहदा में शामिल हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम्हें इस चीज का शऊर नहीं है, वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنُقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ और हम तुम्हें लाजमान आजमाएंगे किसी कदर खौफ और भूख से और मालों और जानों और समरा यानी फलों के नुकसान से, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दीजिए इन सब्र करने वालों। आप ये समझे, अब मुझे ये बताएं कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा। मिस हम यहाँ पर एक टेस्ट के लिए हैं। वेरी गुड, शाबाश। और लेकिन बीच बीच में हमको टेस्ट में हिंट्स भी मिलते हैं जो कुरान है। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाहुम्म बारिक। बहुत अच्छा जवाब। और कौन बताएगा? बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। जी जी बताइए जोया। मैम अल्लाह ताला की इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने बिल्कुल इबादत, तो बिल्कुल 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 सही कहा बेटा आपने, अल्लाह ताला की इबादत के लिए। लेकिन हमें, आपको याद हो हजरत आदम को जब जमीन पे भेजा गया था। जी मदीहा बताइए। जी मैम, हमें आजमाइश के लिए भेजा गया है, और सबके ऊपर किसी न किसी तरीके की आजमाइश आती है, फिर वो कामयाब वही होते हैं जो सब्र करते हैं और अल्लाह के राजी होते हैं। अल्लाह मुबारक, अल्लाह मुबारक। जी रिदा बताइए। ये देखने के लिए कि हम में से कौन अमाल में बेहतर है आजमाइशों के मुताबिक। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छे जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के बहुत बहुत बरकत दे आपके इल्म में, आपके अमल में। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक ऐसा पेपर है जो एक ऐसा टेस्ट है जो कि आउट हो गया। हम सबको इसका पता है कि हमारे से क्या सवाल है हमारे, और हमने किस तरह करने हैं। हमसे हमें कह दिया अल्लाह ताला ने, हमें ये पेपर आउट हो चुका है कि तुम्हें हम आजमाएंगे खौफ से, भूख से, जान और माल से, आपकी इंपॉर्टेंट चीजों के नुकसान से हम तुम्हें आजमाएंगे, और सब्र करने वालों के लिए बशारत है। ये आप लिंक कर रहे हैं उस चीज को, किस चीज से लिंक कर रहे हैं हम, कौन सी आयत से इसको लिंक कर रहे हैं हम? उस सब्र करने, अल्लाह ताला कह रहे हैं सब्र और नमाज से मदद लो, यानी कि जब हम इन खौफ से और भूख से और जान और समरात के नुकसान से तुम्हें आजमाएंगे, तो तुम्हें तुमने क्या करना है, सब्र और नमाज से मदद लेनी है, और सब्र करने वालों के लिए बशारत। पूरा पेपर आउट हुआ है आपके पास, हमने करना क्या है, किस लिए भेजे गए हैं, और इसको सॉल्व कैसे करना है, सारी चीजें आपके सामने। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करें जो इस पे अमल करें। الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اس میں ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ اللہ سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जिस किसी इंसान मुसलमान को कोई रंज या मुसीबत पहुंचे और इस पर ज्यादा वक्त गुजर जाए जाए मतलब आप उस मुसीबत में या उस प्रॉब्लम में बहुत अरसे से हैं, फिर इसे याद आए और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। ये सिर्फ हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी किसी की डेथ हो जाती है तो हम पढ़ते, हालांकि ऐसा नहीं है। जब भी आपको कोई सदमा पहुंचे, कोई मुसीबत पहुंचे या कोई कोई ऐसी खबर सुनने को मिले, कोई भी ऐसी बात सुनने को मिले, तो आप ये पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। तो आपने फरमाया तो मुसीबत के वक्त सब्र करने पर जो अजर मिला था वही अजर दोबारा मिलता है। यानी कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए और आप ये आयत आप ये पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इसका आपको सब आप ये देखें, इसका अगर आप मानी देखें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हमें लौट के जाना है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने बता दिया था कि हमें यहाँ पे थोड़े अरसे के लिए भेजा गया है, टेस्ट के बाद हम वापस चले जाएंगे। तो दुनिया में फिर आपके ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ा से बड़ा गम हो जाए, वक्ती तौर पे इंसान को एक बहुत बड़ा धचका लगता है, लेकिन एंड रिजल्ट यही है कि हम ये सब कुछ टेम्परेरी है, यहाँ पर जो कुछ भी है टेम्परेरी है। दादा बेटा आपने हाथ खड़ा किया, आपको सवाल पूछना है? नहीं, वो पहले का ही खड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमें वापस अल्लाह सुब्हान व तआला के पास लौट के चले जाना है। तो ये चीजें टेम्परेरी है, दुनिया में कोई भी वक्त कोई भी सिचुएशन कुछ भी हो रहा है, हमें पता है हमने अपने आपने उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस आप बैठ जाए, अपने अपने जितने भी आपके असबाब हैं उनको पूरी तरीके से इस्तेमाल करें सही तरीके से, और आप अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करें उस आजमाइश से निकलने के लिए, लेकिन सब्र और तहम्मुल के साथ। और जो ये चीज करेंगे उनके लिए क्या है, अल्लाह सुब्हान व तआला क्या फरमा रहे, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमत व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही है वो लोग के जिन पर इनके रब की इनायत है और रहमत, और यही लोग हिदायत याफ्ता है। कौन लोग? जो कि उनकी अल्लाह सुब्हान व तआला की दी हुई आजमाइशों के ऊपर सब्र करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक हदीस कुदसी सुनाना चाहती हूँ कि जब किसी मोमिन का बच्चा फौत होता है तो अल्लाह सुबहाना व ताला रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते से पूछते हैं कि जब तुमने मेरे बंदे के दिल की ठंडक छीन ली तो मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं कि इसने आपकी तारीफ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और इसका नाम बैतुल हम्द रखो। ये तिर्मिजी की रिवायत है। आप ये देखिए कि अल्लाह सुभान व तआला कितने मेहरबान हैं। वो औलाद दी भी तो अल्लाह ही सुभान व तआला ने होती है, आप खुद से तो कहीं से क्रिएट नहीं करके ला सकते। मैंने एक दफा एक वाक्या सुना एक स्कॉलर का कि उन्होंने बताया कि एक दफा एक कपल था, उनका एक बेटा था और माशाल्लाह वो एक ही बेटा था, और वो 18 साल की उम्र में जो है एक कार एक्सीडेंट या किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो खैर वो जाहिर सी बात है माँ का बहुत बुरा हाल था, वालदैन रो रहे थे, जो बहुत ही उनका बुरा हाल था और बड़े अरसा लगा उन्हें रिकवर करने में। तो कुछ दिन बाद जो है उनके शोहर उनके पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमें एक खिलौना दिया था और उन्होंने हमें उसके साथ 18 साल तक रहने दिया। अब वो उसका माल था, उन्होंने वापस ले लिया। तो ये एक सोच है, सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी होती है, वरना आजमाइशें सबके ऊपर आती है, टेस्ट तो सभी का लिया जाएगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में इसको फरमा दिया है, अब तो ये अटल है, दुनिया में हर इंसान को अल्लाह सुब्हान व तआला आजमाएंगे। किसी आपको लगता होगा किसी की वो छोटी आजमाइश है, मेरी आजमाइश बड़ी है, लेकिन आजमाइश छोटी बड़ी नहीं होती। हर इंसान का पेशेंस भी तो अल्लाह ताला ने बनाया है, किसी में ज्यादा सबर की सलाहियत होती है, किसी में कम सबर की सलाहियत होती है। हमें लगता है कि वो वाली आजमाइश आई होती तो कोई मसला ही नहीं था, हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे अंदर शायद ज्यादा सबर की सलाहियत है, उसमें कम है, उसका टेस्ट उसी के हिसाब से दिया जा रहा है। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि वो कभी भी किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाते। आगे चलते हैं, 3 मिनट रह गए।
إن الصفا والمروة مروة من الشعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. यकीनन सफा और मरवा अल्लाह के शायरों में यानी कि निशानियों में से है। तो जो कोई भी बैतुल्लाह का हज करे या उमरा करे तो इस पर कोई हर्ज नहीं है कि इन दोनों का तवाफ भी करे। और जो शख्स खुश दिली से कोई भलाई का काम करता है तो जान लो कि अल्लाह बड़ा कदरदान जानने वाला है। अल्लाह सुब्हान व तआला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला बड़े कदरदान है। ये हज और उमरे के दौरान जो है सफा और मरवा का जो तवाफ करना होता है, जो हजरत हाजरा की सुन्नत है कि जब हजरत इस्माइल वहां पे थे और उनके पास खजूर और पानी भी खत्म हो गया था और कोई उन्हें सबब नजर नहीं आ रहा था और वो छोटे थे और भूख से बिलख रहे थे, तो हजरत हाजरा थी वो अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ कर रही थी और वो इसके दौरान भाग दौड़ रही थी कि वो कहीं से पानी का इंतजाम हो जाए, क्योंकि ये पहाड़ियां थी और पहाड़ पर खड़े होकर ऊंचा देख रही थी कि कहीं से कोई काफिला आ रहा हो, कोई आ रहा हो और कुछ मदद हो सके। तो ये उनकी सुन्नत फॉलो होके उमरे में ये चीज की जाती है। इन्नल लजीना यक्तुमूना मा अनजलना मिनल बय्यनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु वयलअनुहुमुल्लाइनून। यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं इस शय को जो हमने नाजिल की बय्यनात यानी कि रोशन निशानियों में से और हिदायत में से बाद इसके कि हमने इसको वाजिया कर दिया यानी कि कुरान की आयतों को, या उस वक्त के जो यहूदी उल्मा थे वो उन चीज़ों को छुपाते थे जो कि जाहिर हो चुकी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी के आने की निशानियाँ लोगों के लिए किताब में से इसको वाजिया कर दिया है लोगों के लिए किताब में। तो वही लोग हैं कि जिन पर लानत करता है अल्लाह और लानत करते हैं तमाम लानत करने वाले। इल्लज़ीना ताबू वअस्लहु वबय्यनु फउलाइका अतूबु अलैहिम वअना तव्वाबुर रहीम। सिवाय इनके जो तौबा करें और इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे इसे वाजिया तौर पर बयान कर दें, यानी कि अगर किसी ने छुपाई है आयतें या कोई ऐसी चीज की है और फिर उसको वाजिया तौर पर बयान कर दें तो इनकी तौबा में मैं कबूल करूंगा और मैं तो हूं ही तौबा कबूल करने वाला रहम फरमाने वाला। सुभानक अल्लाहुम्मा अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 160 आयत तक मुकम्मल की है। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल जो कोई चीज आपको समझना आई हो, आज मुझे बड़ा मजा आया माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रहता है, डिस्कशन होनी चाहिए ताकि अगर कोई चीज ऐसी है जो कि आपके जहनों में है, या क्योंकि बात से बात जब डिस्कशन होती है तो फिर दोनों साइडों के जहन खुलते हैं, बातचीत होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज बहुत आप लोग इन्वॉल्व थे। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो चलिए, नहीं है तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी मदीहा बताइए। मैम आप जो स्लाइड पढ़ाती हैं वो आप शेयर कर सकती हैं ग्रुप में? ये जो प्रेजेंटेशन है बेटे? जी जी, ये कुरान फॉर टीन्स हमारी वेबसाइट है, वहां पे सारा टीचिंग मटेरियल है, सारी अब तक की जितनी प्रेजेंटेशन है वो वहां पे अवेलेबल है, quran14teens.com। मैम आप उसकी लिंक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि इजीली? जी जी जी, मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। आई थिंक उसमें है भी शायद लिखा। चलिए मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। थैंक यू, वेलकम।